एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 24/7। और जैसे कि आप सभी लोगों को बताया कि हर रोज मैं लेकर के आती हूँ एक सेशन जिसमें मैं लेकर के जाती हूँ आप सभी लोगों को ग्रामर की हेवन। आज है डे 110 और आज का रूल भी हम कवर करने वाले हैं 110। सो मेरे पास तीन वर्ड्स हैं, टू एज वेल और ऑल्सो। ये सभी आपको कन्फ्यूज करते हैं क्योंकि इन सभी का मतलब निकलता है अल्टीमेटली भी, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ हमारे पास जो एक्स्ट्राज में है, मेरे पास ये भी है, राइट, वो आप बताते हो। सो सेंटेंसेस को देखते हैं हम, कैसे कैसे सेंटेंसेस हमारे इससे रिलेटेड बन सकते हैं। टू, आई हैव बॉट एन आर्मचेयर टू, मैंने खरीदी है एक आर्मचेयर भी। आई हैव बॉट एन आर्मचेयर एज वेल, मैंने खरीदी है एक आर्मचेयर भी। आई हैव बॉट एन आर्मचेयर ऑल्सो, मैंने खरीदी है एक आर्मचेयर भी। अल्टीमेटली आपका तीनों का मतलब ही क्या आ रहा है, भी आ रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं इन तीनों सेंटेंसेस में, तो ये सेंटेंस राइट है, ये सेंटेंस राइट है, बट ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। द रीजन बिहाइंड इट इज दैट कि ऑल्सो कभी सेंटेंस के एंड में नहीं आता। Also can never be used in the end of a sentence. समझ में आ रहा है? This is important. Then फिर आपका अब आप बोलोगे कि TOO का क्या sense होता है? तो टू के दो sense होते हैं। एक तो टू का sense use होता है आपका भी की तरह, एक भी की तरह use होता है, लेकिन एक TOO के साथ TOO लग जाता है जो बहुत का सेंस देता है, बहुत, जो किसी इंटेंस चीज को एक्सप्लेन करता है ना। तो वो दोनों ही अलग अलग है, दे बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। टू एडिशन वाला डिफरेंट है और टू इंटेंस वाला डिफरेंट है। मैंने बोला मैं भी खुश हूं, आई एम हैप्पी। ठीक है ना, मैं खुश भी हूं। और अगर मेरे को दूसरा सेंटेंस लिखना जो TOO के साथ TOO लगाया जाएगा, उसको मेरे को लिखना, तो मैं क्या लिखूंगी, आई एम टू हैप्पी टू एक्सप्लेन यू एनीथिंग। मैं बहुत खुश हूं तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए। सो मैंने यहां पर सेंटेंस को क्या किया, इंटेंसिफाई किया विद द हेल्प ऑफ टू एंड TOO, राइट। और यहां पर आप एक चीज भी याद रखिएगा, इसका जो डिफरेंस है वो किसके साथ दिखाया जाता है, सो के साथ। सो का पेयर आता है आपका दैट, और TOO का पेयर आता है TOO के साथ। सो के साथ दैट हमेशा पॉजिटिव सेंस देता है, वेयर एज TOO के साथ TOO नेगेटिव सेंस देता है। सो आप पॉजिटिव वाले में नो नॉट का इस्तेमाल कर सकते हो, बट आप TOO के साथ नो नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, राइट। वो इतनी ज्यादा कमजोर है कि वो चल नहीं सकती। अब इसी को अगर मैं टू में कन्वर्ट करती हूं तो क्या हो जाएगा, मैंने शी इज सो की जगह पे लिख दिया टू वीक। अब मैं ये सब नहीं लिख सकती, दैट शी कैन नॉट, आई कैन नॉट राइट दिस, क्योंकि मेरा टू ऑलरेडी नेगेटिव है। सो मैं सीधे यहाँ पे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दूंगी, ही इज टू वीक टू वर्क लिख दूंगी। इस पर सेंटेंस को अपने आप इंटेंसिफाई कर दिया, राइट। सो अब यहाँ पे नोट बना करके लिख सकते हो, नो नीड टू राइट नो नॉट विद TOO एज पेयर विद TOO। ओके, क्लियर है बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, फाइन। बाकी एज वेल को आप तीनों ही तरीके से यूज कर सकते हो, TOO के तरीके से भी और ऑल्सो के तरीके से भी, या इन एडिशन के सेंस में भी। तो ये तीनों ही सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, फाइन। सो इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूंगी। आई होप इतना आपको क्लैरिटी मिल गया होगा कि तीनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता। एज वेल तीनों को रिप्लेस कर सकता है, बट ऑल्सो टू को, और टू ऑल्सो को रिप्लेस नहीं कर सकता। टू को आप सेंटेंस के एंड में लगा सकते हो, एज वेल को आप सेंटेंस के एंड में लगा सकते हो, लेकिन ऑल्सो को नहीं लगा सकते। टू का एक और सेंस में निकलता है जब वो TOO के साथ आता है, तो राइट। सो इसी के साथ हम सेशन को एंड करेंगे, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।